नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक में 42वां जो अपना संविधान का संशोधन था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में ताकि आपको समझ में आ जाए, और उसके बाद में एक प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात कि अभी तक इस चैनल को स्टडी विथ JP, क्योंकि मैं नेम चेंज कर लिया है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। पहले ये स्टडी एट होम का नाम से था, अब मैंने स्टडी विद JP कर दिया है। तो दोस्तों ये देखो कि ये जो 42वां संविधान संशोधन है, जो बहुत विवादास्पद है, और आज इसके बारे में जो इसके जो विभिन्न प्रावधान थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब 1971 के लोकसभा जो चुनाव हुए थे, तो जस्ट चुनाव के बाद में जो जो सरकार बनी थी, तो सरकार का कोई वर्ग था, उन्होंने इस बात का प्रतिपादन कर रहे थे कि देश की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है और उसके विकास के लिए संविधान में कुछ व्यापक परिवर्तन किए जाने चाहिए। तो इसी कारण से तत्कालीन जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने 26 फरवरी 1976 को संविधान संशोधन के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई, और उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया सरदार स्वर्ण सिंह को। तो इस समिति की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट पर विचार किया गया और लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जो उसे और उस प्रस्ताव को ही क्या नाम दिया गया, 42वां संविधान संशोधन विधेयक। और इस संविधान संशोधन विधेयक में क्या थे, कुल 59 प्रावधान थे, मतलब 59 प्रकार के जो संविधान में संशोधन करने थे वो थे। और इस प्रकार इसमें ये जो निम्नलिखित है ये संशोधन किए गए। तो सबसे पहले तो प्रस्तावना में संशोधन, इस 42वें संविधान संशोधन में सिर्फ एक ही बार प्रस्तावना में ये हुआ है, जो कि 42वें संविधान संशोधन में हुआ है प्रस्तावना में संशोधन। तो इस प्रस्तावना में क्या क्या गया है कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए जो इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। तो अगला और दूसरा प्रावधान क्या था कि मूल कर्तव्यों की व्यवस्था, जो जो नागरिकों के जो अधिकार हैं उनके साथ साथ कुछ कर्तव्य भी है नागरिकों के देश के प्रति, तो उसमें कुछ कर्तव्य जोड़े गए जो 10 मूल कर्तव्य थे। और उसके साथ साथ जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो संविधान के भाग 3 या 4 में ऐसा कुछ है, तो उसमें क्या तत्व जोड़े गए, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व कि बच्चों को स्वस्थ रूप में विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान करना, समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना, औद्योगिक संस्था है उनके मैनेजमेंट के लिए जो कर्मचारी है उनको भी भागीदार बनना, और देश के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, ये इस प्रावधान में किए गए, इस संविधान में संशोधन में किए गए। और आगे क्या था, आगे एक था दोस्तों इसमें प्रावधान कि आपातकालीन उपबंध, इसमें यह व्यवस्था की गई जो अनुच्छेद 352 है उसके अंतर्गत जो आपातकाल है वो पूरे देश में लगाया जा सकता है, और या फिर देश के किसी एक पार्टिकुलर भाग में या फिर किसी एक राज्य में। और फिर इसमें अगला प्रावधान क्या था, केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है, तो इसमें क्या किया गया, जो शिक्षा है, नाप है, तोल, वन, जंगली जानवर और पक्षियों की रक्षा, ये विषय जो है राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में रख दिए गए। पहले राज्य सूची में थे और बाद में इसको इस संविधान संशोधन के द्वारा संवर्ती सूची में, जिसमें कि कानून जो है राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। और इसके अतिरिक्त एक बात और कि जो प्रशासन से विभिन्न क्षेत्रों में न्यायिकरण की व्यवस्था थी, मतलब प्रशासन से विभिन्न क्षेत्रों में न्यायिकरण की अलग अलग स्थापना की गई, और न्यायालय के जो क्षेत्र अधिकार थे उनको भी सीमित करने का प्रयास किया गया। और इस संविधान संशोधन की क्या समीक्षा थी, मतलब तो तत्कालीन जो शासक वर्ग के द्वारा इस संविधान संशोधन के चाहे जो भी लक्ष्य और उद्देश्य बतलाए गए हो, वस्तुतः इस संविधान संशोधन के व्यवहार में सर्व प्रमुख उद्देश्य प्रधानमंत्री और कार्यपालिका के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण करना ही था। मतलब कुल मिला के केंद्र के पास सारी जो शक्तियाँ थी वो केंद्र में निहित करनी थी। तो जब 6ठे लोकसभा के चुनाव के समय जनता पार्टी के द्वारा जो चुनाव घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसके राजनीतिक कार्यक्रम अंतर्गत एक प्रमुख बात 42वें संविधान संशोधन को रद्द करने की कही गई, लेकिन सत्ता प्राप्त हो गई उसके बाद
सभी प्रावधानों को रद्द करने के बजाय कुछ कुछ को रद्द किया गया और उसको रद्द करने के लिए 43वां और 44वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 43वां और 44वां संविधान संशोधन हुए और 42वें में ये थे जो मैंने आपको बताए। अब चलते अपने क्विज लगाते हैं, इससे और समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहला है, संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ये जो दोस्त है जो 52वां संविधान संशोधन था, 52 यानी ऑप्शन सी, इसमें जो है इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है दल बदल की सूची पर रोक लगा, दल बदल पर रोक लगा कि जो एक पार्टी का कोई कार्यकर्ता है वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, मतलब जब सत्ता में आ जाता है तो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता वो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बनाया गया? तो ये दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन था? ये था 44वां संविधान संशोधन। इसमें ऑप्शन बी, इसमें क्या किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है भारतीय संसद को मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन करने का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थापित किया गया? तो ये दोस्तों क्वेश्चन है 24वां संशोधन, इसमें जो क्या किया गया, जो मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं उसमें संशोधन करने का अधिकार इस 24वें संशोधन के द्वारा लगाया अंदर नहीं स्थापित किया गया। अगला है, राष्ट्रपति संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये जो है वो 42वें संशोधन में क्या किया गया कि राष्ट्रपति को एक नाम मात्र का शक्ति दी गई और वास्तविक शक्ति जो है वो मंत्रिपरिषद यानी कार्यपालिका को दी गई। अगला है, किस संशोधन द्वारा बॉम्बे जो पहले राज्य था उसको महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित कर दिया गया? तो वो है दोस्तों 7वां संशोधन, इसमें क्या किया गया कि जो बॉम्बे को है दो राज्य में विभाजित कर दिया गया। फिर अगला है कि किस संशोधन द्वारा नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना? तो वो है दोस्तों 13वां यानी कि ऑप्शन ए, इस संशोधन द्वारा जो नागालैंड है उसको भारत का 16वां राज्य घोषित किया गया। अगला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अवकाश ग्रहण करने की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई? तो वो है दोस्तों ऑप्शन डी, जो है 15वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या 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 कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनकी अवकाश यानी रिटायरमेंट की जो एज है वो पहले 60 थी उसको 62 कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये अपने 10 क्वेश्चन देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और नहीं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।